हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर स्केरी वीडियो। तो गाइस, मैं बिल्कुल प्रिंसेस बनने के लिए तैयार हो ही रही थी। सैटिस्फाइंग वीडियोस की तो मैंने पूरी रिसर्च भी कर ली थी, पर एकदम से पॉप आउट करता है मैसेज, भयानक मैसेज। लास्ट घोस्ट वीडियो पे 200K लाइक्स हो चुके हैं, आपने अब तक वीडियो क्यों नहीं बनाए? अभी बनाओ, अभी बनाओ, अभी बनाओ। गाइस, हमने सारा काम छोड़ा और अपनी रिसर्च स्टार्ट करी और बना रहे हैं अब हम बहुत ही स्पूकी क्रिएचर पे वीडियो, जो कि आजकल यूट्यूब पे वायरल है, साइरन हेड। तो गाइस, पहले आए एलियंस, फिर आए घोस्ट, चुड़ैल्स, पिशाचिनी, और अभी एक ये नई कैटेगरी आ गई है। मतलब यार, और क्या देखना बाकी रह गया है। मतलब इतना अजीब सा क्रिएचर है, अपने हेड पे दो सायरन लगाए हुए हैं। सायरन हेड जो है ये 40 फीट टॉल मुस्तंडा है। अरे मुस्तंडा नहीं है, हड्डियों का ढांचा है ये। पूरी दुनिया को डरा रखा है आजकल, जहाँ देखो इसकी साइटिंग्स हो रही है। तो चलो फिर इन्हें इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं अपनी खुफिया शक्तियों के थ्रू कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, ये सिर्फ फिक्शनल है। अभी सब पता चलने वाला है। तो ट्रेवर हेंडरसन नाम के एक हॉरर आर्टिस्ट ने, कैनेडियन हॉरर आर्टिस्ट ने 2018 में इस अजीबोगरीब कैरेक्टर का इजाद किया है। तो मेरे ख्याल से तो ये फिक्टिशियस है। नहीं, तेरे को पता नहीं है इसकी रियल स्टोरी। एज पर माई रिसर्च, 1966 में एक फैमिली हॉलीडे पे गई थी, उन्होंने वहाँ पे इसको, सायरन हेड को स्पॉट किया था। सीरियसली? हाँ, फिर तो ये रियल भी हो सकता है। उसके अलावा ना 9 और प्लेसेस पे सायरन हेड को स्पॉट किया गया है। बट यार, यहाँ ये यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियोस में बहुत ही आम हो गया सायरन हेड को स्पॉट करना। लाइक लोगों ने अपनी वीडियोस डालियां बना के दैट सायरन हेड्स एग्जिस्ट फॉर रियल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड सी कि एक्चुअल में ये वीडियोस रियल है या नहीं। तो ये 7-1 नाम के यूट्यूबर सऊदी अरेबिया में, इन्होंने अब सायरन हेड को स्पॉट करा है। यार, वेदर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको, मतलब सायरन हेड नहीं तो एलियन घोस्ट कोई तो मिल ही जाएगा। इसने क्रिएट किया हुआ वेदर, बिल्कुल हॉन्टेड सीन एकदम होता है ना। यार, ऐसी लोकेशन में कोई अकेला कैसे जाता है यार? मैं तो यार नीचे दूध लेने तक ना जाऊं 2 मिनट चल के। यार, ऐसी इतनी सारी डरावनी सी हवाएं चल रही हैं। ये अपने घर से निकला ही था कि इसको वेदर ब्रॉडकास्ट सुनाई दिया, और वेदर ब्रॉडकास्ट भी इसकी खुद की नेटिव वॉइस में नहीं था, लाइक सऊदी अरेबिया की अरेबिक होगी लैंग्वेज, बट इसे इंग्लिश में वेदर फोरकास्ट सुनने लग गया। तो तुम्हें पता है कि सायरन हेड की एक एबिलिटी होती है कि वो आपको किसी भी आवाज में ल्योर करता है अपनी तरफ, कि आप उसकी तरफ आओ और फिर वो आपका मर्डर करे। अबे, तो विषकन्या हुई फिर। कुछ कुछ आवाजें निकाल रहा है, बोल रहा है, कह रहा है कि बहुत ही पोटेंशियली डेंजरस वेदर सिचुएशन है। अच्छा, तो यूट्यूबर को समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही नहीं है। सामने खड़ा है। कैसे खड़ा है और? अच्छा, लगता भी पेड़ों की तरह है ना, ब्रांचेस निकली हो जैसे, तो बंदा डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकता। यार, ये पेड़ों के पीछे भी छुप जाता है, पता है? लुक, पेड़ों में ऐसे छुपा हो तो बंदा कैसे नोटिस करेगा कि ये बंदा वहाँ पे खड़ा है। अच्छा, कैमरा फ्रीज हो गया जैसे सायरन हेड नोटिस हुआ। ओह माय गॉड, इतना क्लोज। आई थिंक उसके कोई फैमिली मेंबर उसकी हेल्प कर रहा होगा, ये फेक है। इसी देख ले, भाग गया और अपना डोर बंद कर लिया। हाँ, अब वो अपने घर को रिकॉर्ड कर रहा है, बिकॉज़ उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर। ओ, हाथ आया। इतना बड़ा यार, ये बंदा बच कैसे गया फिर? पर जो इसने ग्राफिक्स दिखाए हैं गाइस, बहुत स्पूकी था। इतना बड़ा क्रिएचर हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं, इसने यहाँ पे वीडियो डाली है। कोई आपके पीछे ऐसे पड़ जाए अंधेरी रात में सुनसान गलियों में, अब क्या करोगे यार? यार, अब तो मेरे को डर लग रहा है यार। रात में ड्राइव करते हैं ना, वो ऐसे एंटीनास बने होते हैं एकदम सायरन मैन की शेप में। तुझे पता है, इस वाली स्टोरी से ना मुझे भी एक स्टोरी याद आई। मैंने सुना था, जब आप वो हरिद्वार वाली रोड पे जाते हो ना, कोई हाईवे है हरिद्वार को जाता है जो, वहाँ पे ना उस एक रोड पे एक एंटीनास वाली रोड आती है। उस एंटीना वाली रोड पे ना कई बार आपको मोस्टली क्रिएचर्स होते हैं, शायद चुड़ैले ही होती हैं, अच्छी सी सुंदर सी बन के बुलाती हैं अपनी तरफ, ऐसे लिफ्ट मांग के बुलाती है, मगर जाने का नहीं। तो अगर आप अपनी गाड़ी रोक दोगे ना, तो गाइस वहां से आप बच के नहीं जा सकते। चोर होते हैं यार ऐसे लोग। और हाँ, मतलब हो सकता है कि चोर हो, बट स्टोरीज यही फेमस हुई थी कि ये घोस्ट होते हैं और मार देते हैं। मुझे यार
एक बात बताऊँ, वो लास्ट वीडियो में जब से मेरा नाइट सूट पहन के भूतनी दिखी है ना, तब से ये स्पूकी वीडियोस बनाने में डर लगता है गाइस। वो दिख रहा है हाथ उसने कैसे लेके आया ना। तो गाइस पैरानॉर्मल वर्ल्ड नाम के एक यूट्यूबर ने ये वीडियो डाली थी जिसमें उसने सायरन हेड को स्पॉट किया था। बेसिकली एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के अंदर वो गया और वहां पे उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई थी बच्चों की कुछ बोलने की ना, जो आप अगर सुनोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा डर लगेगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेट्स वॉच इट। ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और ये यूट्यूबर यहाँ पे क्या कर रहा था पहली बात तो ये नहीं समझ में आता, मतलब स्पॉट करने गया था वो मेरे ख्याल से ढूंढने गया था। ऐसा लग रहा है कि बच्चे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ, बट कोई भी इंग्लिश नहीं बोल रहा यार, कोई रियल ह्यूमन इमोशन भी नहीं आवाजों में यार। ओ, और एकदम से उसे सायरन हेड की आवाज आई, कुछ सायरन सा बजा। ओ, ओ। नाउ वी कैन सी कि यहाँ से केकड़ा मैन जा रहा है। सच्ची में यार गाइस ये एक्चुअल में स्केरी है, बट यार ये बच गया उसके बाद। हाँ तभी तो वीडियो डाली उसने, सो अनलकी ऑफ हिम। प्रेरणा कितना अजीब सा प्राणी था ये सच में, इतना लंबा, लंबे लंबे हाथ और हाथ उतने ही लंबे जितने पैर। हाथ मतलब कहाँ जा रहे थे उसके हाथ। सच्ची हो सकती है वीडियो, ये एनिमेटेड है यार, कुछ भी हो सकता है। जब से सायरन हेड वायरल हुआ ना तब से यूट्यूबर्स भी बहुत ज्यादा इस पे वीडियो डाल रहे हैं, पता नहीं की एक्चुअल में है या नहीं है। वो समझ नहीं आता वो फॉरेस्ट में करने क्या गया था, मेडिटेशन करने क्या होगा या जोर की लगी होगी। यार एक बात कहूँ, मुझे तो बहुत मजेदार लगा ये क्रिएचर सीरियसली। मैं तो सोच रही थी हॉन्टेड डॉल्स पे वीडियो बनाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, आज इस पे वीडियो बना लेते हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको हॉन्टेड डॉल्स पे वीडियोस देखनी है। सो गाइस इस नेक्स्ट वीडियो में DX आर्मी नाम का एक यूट्यूबर है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता है कोई हॉन्टेड सी बहुत ही डिजर्टेड सी जगह से निकल के। आई थिंक ये स्पॉट ही कर रहे हैं। हाँ, ये ढूंढ ही रहे हैं शायद सायरन हेड को। एंड सबसे बड़ी बात, 1995 में इस एरिया में सायरन हेड को एक्चुअल में स्पॉट करा गया था। स्पॉट किया गया था। तो क्या लगते हैं आज DX आर्मी सक्सेसफुल होगी सायरन हेड स्पॉट? जरूर होगी, क्योंकि कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बंदा चाह भी किसको रहा ना, सायरन हेड को। ओके DX आर्मी बिलीव नहीं करती है कि सायरन हेड्स होते हैं। अच्छा एक ये नैरो ट्रेल पे है जहाँ पे सिर्फ वुड्स और एकदम ट्रीज ही ट्रीज है, कितने श्योर है कि कुछ है ही नहीं। आपस में दोस्त ही कितने डरावने लग रहे हैं डर रहे हैं ना यार वो ओके उनको कुछ नहीं मिल रहा है एंड देयर लाइक हमें कुछ नहीं मिल सकता और बहुत ज्यादा डेंस वुड्स के अंदर जा चुके हैं। ऑब्वियसली अब इनको नॉइजेस सुनाई देगी। ओके इन्हें एनिमल की आवाज सुनाई दे रही है, इनको लग रहा है एनिमल है। हाँ किसी को भी नहीं लगेगा कि एनिमल है। ओके एक फ्रेंड कह रहा है कि हमें वापस जाना चाहिए, एकदम से एक फ्रेंड डरा। हेलो जैसे कि उससे बात करना चाह रहा है। जैसे वो होता है ना शिकार करने से पहले बंदा हंसता है, अब तो मारने वाला हूँ मैं। कुछ है और उन्हें एकदम से अजीब सा क्रिएचर स्पॉट हुआ, बट ये बहुत क्यूट लग रहा है। सीरियसली डूड ये भाग नहीं रहे उसे देख के, ये फेक है यार। oh, shit. पर कितना ज्यादा वियर्ड है स्ट्रक्चर देख यार उसका, स्टील जैसा लग रहा है। और ये तो ऐसा लग रहा है यार कोई रखा हुआ उन्होंने कुछ यार मूव नहीं कर रहा, वॉक नहीं कर रहा, स्टैचू लग रहा है मेरे को, पता है सायरन हेड का क्या। पर अगर इतना हैवी स्टैचू क्रिएट करे तो वहां पे लाके रखना इतना आसान तो है नहीं, और फिर इतने डेंस वुड्स के अंदर आप जा रहे हो, आपको एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी ना पता कि आपने कहाँ छुपा दी है। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो ऐसा कहा जाता है कि सायरन हेड्स जो होते हैं बहुत ही स्लिम और एकदम थिन होते हैं और ये मोस्टली प्रेफर करते हैं कि ये वुडी एरियाज में रहे। अच्छा ये एक ही बंदा कई सारे हैं? अब वो मुझे नहीं पता ना कि एक है और कई सारे हैं, पूरी फैमिली ट्री है शायद। तो अभी ये एक डेंस फॉरेस्ट है और फॉग है यहाँ पे बहुत ज्यादा। एक यूट्यूबर मॉरियन ने इसको डिस्कवर किया था यहाँ पे। कितनी फॉग में इसने, अबे है कोई।
यार ओके मॉरियन जो था इसने ये सायरन एड जो है ये वायरल होने से पहले स्पॉट किया था. ये आज की वीडियो नहीं बहुत पहले की वीडियो है. ये अकेला वुड्स में था. पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग वुड्स में अकेले करते क्या है. प्रॉपर अपना सायरन बजाता हुआ है. रियल यार सायरन एक्चुअल में बज रहा है. बहन डर गई, बहन डर गई. पता नहीं जितनी ज्यादा मैं वीडियोस देख रही हूँ उतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों को मिलने में, इनसे बातें करने में, देखने में कि रियली होते हैं. ये ना मिलके बातें नहीं करते, खा जाते सीधा. नहीं नहीं सायरन बजाते हैं. SCP-000 नाम का यूट्यूबर है यार. ये यूट्यूबर्स को सायरन हेड बड़े आराम से मिल रहे हैं. हमें मिल सकता है क्या यार? मैंने स्पॉट ही नहीं करना. मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. तो ये यूट्यूबर एक क्लियर डे पे बाहर जाता है, इसे कुछ आवाजें आती हैं और देखता है. ओह एक क्रीपी सा फिगर चल के आ रहा है. भागता हुआ गया है. दिन में भी मिलते हैं यार. ये क्या है? ओके गंदी एडिटिंग, बहुत ही गंदी एडिटिंग करी गई है. तो गाइस बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ये वीडियो वायरल हुई है, बट लोगों ने ये शो नहीं किया कि ये एक्चुअल में जब ये हवा में इसके नकली पैर तैरते हुए दिखते हैं तो ये तो दिखाया ही नहीं किसी ने. ओह कितना ज्यादा ग्रे, एकदम ब्लू स्काई है. क्लाउड्स कैसे मूव कर रहे हैं? ये सब ग्रीन स्क्रीन पे क्रिएट किया है. सीरियसली एक नहीं कितने सारे सायरन हेड है यार. कैसे मम्मी जैसे लग रहे हैं यार. आई थिंक इनको कैमरा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आओ हमें पिक्चर करो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है. पोज दे रहे हैं. वी आर वेरी कैमरा फ्रेंडली यू नो दैट वे. अरे मतलब मजाक बना दिया सायरन हेड्स का यार. रियल होंगे भी तो लोग बिलीव नहीं करेंगे कि एक्चुअल में होते हैं. इंटरनेट ने मजाक बना दिया इनका. अब बिलीव ही नहीं कर रहा. फिर से पैरानॉर्मल वर्ल्ड. आई थिंक ये यूट्यूबर ना सिर्फ सायरन हेड्स की हंटिंग ही करता है यार. ये मुझे फर्जी लग रहा है. हाँ यार अब तो मुझे भी ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड की वीडियोस तो फर्जी लग रही है. पर देखो यार कैसे बंदे ने क्रिएट करा है या देखा है, स्पॉट करा है, वी डोंट नो. कितना अल्टीमेट क्रिएट किया है यार. लक कितना अच्छा रहा है ना. मैं कह रही हूँ मुझे अच्छा लगने लग गया है क्रिएचर. क्लाउड्स आ गए हैं. जैसे उसने हाथ ऊपर करे ना उसके हाथ भी गायब हो गए क्लाउड्स के अंदर. तो मतलब ये एडिटेड है. हाँ यार ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड तो डेफिनेटली झोल कर रहा है. प्रिंडा एक बात सुन. हाँ? अगर एंजेला और टोमिनोज हेल भी अगर फेमस हो सकते हैं ना तो ये बंदा भी डिजर्व करता है. प्रॉपर गेम है पता है सायरन हेड नाम से. एग्जैक्टली यार आई थिंक कुछ कुछ जगहों पे स्पॉटिंग रियल हो भी सकती है. जैसे व्हाइट यार मैं बता रहा हूँ ना वो एंटीना जो होता है ना वैसा का कुछ होता है. लोग सोचते हैं सायरन हेड है. Everybody is a gangster until the 40 feet siren head arrives. Do 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 do. Gangnam style करता है. Ta ta na na ta. वीडियोस देखने के बाद मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये अजीबो गरीब 40 फीट का क्रिएचर अपने फॉरेस्ट और डेंस वुड्स के अंदर रहे वही बेहतर है. इंडिया आने की कोशिश ना करे चुपचाप खुशी से. एग्जैक्टली इंडिया आने की तो बिल्कुल कोशिश ना करे बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एलियंस घोस्ट चुड़ैलों का बहुत स्टॉक है. बहुत सबका स्टॉक. बाहर निकलो व्हाइट कपड़ों में इतनी उड़ती हुई नजर आती है कि कोई मतलब ही नहीं. आजकल तो नॉर्मल हो गया. मतलब कहीं भी डैशबोर्ड पे उड़ते हुए हर जगह Guys, I hope you enjoyed watching this video. अगर आपको मजा आया हो तो don't forget to give it a big thumbs up. कमेंट में जरूर बताना कि सायरन हेड रियल है या फेक है. आपको क्या लगता है, आपकी क्या थॉट्स हैं? एंड अगर आप चाहते हो कि हम हॉन्टेड डॉल्स पे वीडियो बनाए तो गाइज आपको पता है आपको क्या करना है. इस वीडियो को देना 200 के लाइक्स. ये तो ऑलरेडी बार ऊपर सेट कर देता है 200. ओके 200k likes. I hope आप जल्दी से 200k likes करोगे. हमने अपना प्रॉमिस रखा जल्दी से वीडियो बनाई. सब्सक्राइब टू वॉन्डरर्स हब. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.